हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। यहां से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अपनी क्लास को यहां पे स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आपने बाकी वाले जो लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में नहीं देखे हुए, जाके देख लें। ये आज हमारा पार्ट फर्स्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। इस पे हम जो हमारे पास 100 MCQs डिस्कस करेंगे। आज अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आज भी डिस्कस करेंगे, हम बाई पार्ट्स लाएंगे ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन के साथ, ताकि आप पूरी क्लास में अच्छे से कंसंट्रेशन बना के अपने आप को यहाँ पे बिठा के रखें। चलिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कुछ लाइंस लिखी गई हैं। ये हमारे पास स्वामी विवेकानंदा जी की कुछ लाइंस हैं। क्या हैं? एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिज़ी। क्या लिखा गया कि हर एक चीज़ जो है वो आसान है जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं। क्या कहा मैंने कि उन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने क्या कहा कि एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिज़ी बट नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेज़ी। लेकिन तब कुछ भी आसान नहीं होता जब आप लेज़ी फील करते हैं, मतलब कि आप सुस्त हो जाते हैं। इसलिए कि आपको मैं कह रहा हूँ कि इन लाइंस को अगर हम देखें, इनके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपने आपको बिज़ी रखना है। हमेशा अपने आप को पढ़ाई में बिज़ी रखो, अच्छे कामों में बिज़ी रखो, ओके, तो हर एक चीज़ अच्छी होगी। अगर आप एक जगह आराम से बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे मेरा सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बाकी वाले एस्पायरेंट्स इतने मेहनत कर रहे हैं, हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये चीज़ें आपको बिल्कुल डीमोटिवेट करती हैं। इन पर आपने फोकस नहीं करना है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, द एबिलिटी टू कम्बाइन नेम एंड एड्रेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मैरिज फॉर्म लेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेल मैरिज। ओके, अगर हम बात करते हैं मेल मैरिज की, ये एक ऑटोमेटिक इंसर्शन होती है नेम्स की, एड्रेस की, इनटू लेटर्स में, लिस्ट्स में और इनवेलप्स में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देखें, अगर आपने कंप्यूटर के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाना, देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमें नंबर पे मैसेज करना है, वो मैं आपको लास्ट पे दे दूंगा, ठीक है। चलिए, वैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें विंडोज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो जो हिस्ट्री थी विंडोज़ की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं जो विंडोज़ थी, तो 1981 में क्या हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए, जब माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया था वाई कॉने प्रोग्राम, जिसे कहते हैं इंटरफेस मैनेजर पे, ठीक है। फिर उसके बाद अनाउंस्ड होता है ये कब, 1983 में ये अनाउंस्ड किया जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास अनाउंस किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, विंडोज़ जो हमारे पास क्या होती है 2.0 जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है, कब, दिसंबर 1987 में। कब? दिसंबर 1987 में। ये डेट आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपने याद रखना है, ठीक है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो कुछ वर्जन्स पूछे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विंडो 1.0 होता है, ठीक है, विंडो 1.0 वर्जन होता है, विंडो 2.0 होता है, विंडो 2.0 होता है, फिर हमारे पास विंडो 3.0 भी होता है, उसके बाद विंडो 95 होता है, ये सारे नोट करें, और 98 होता है, और हमारे पास XP होता है। ये मैंने वर्जन बताए किसके, विंडोज़ के वर्जन बताए, ये आपने याद रखने हैं, आपको एग्जामिनर पूछेगा। उसके बाद भी हमारे पास कौन कौन से हैं, विंडोज़ विस्ता, एक ये नाम याद रख लेना, विंडोज़ विस्ता, और फिर हमारे पास विंडोज 7, ये आप याद रखना है, विंडोज 7, और उसके बाद अगर आप याद रखना चाहें तो हमारे पास विंडो 8 और विंडो 10, जितने भी मैंने मुँह से बोले ये आपने नोट किए होंगे। ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से पूछता है कि कौन सा इनमें से नहीं है और कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स, स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा यूज़ किया जाता है क्विक एक्सेस के लिए, टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे टूल बार। क्या है? टूल बार, ये आपने याद रखना है। टूल बार कंटेंस बटन्स,
menus that provide quick access to commonly used commands. Toolbar is a graphical control element on which one screen button, icons and other output and input elements are placed. जिस पे ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, स्क्रीन बटन पे आइकन्स की बात करें, आउटपुट और इनपुट एलिमेंट्स की बात करें, और टूलबार इज सीन इन मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक ऑफिस सूट्स की बात करें, ग्राफिक एडिटर की बात करें, वेब ब्राउजर की बात करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। देखें ऑप्शन आपके सामने, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या पूछा गया आपसे, विच फाइल स्टैंड स्टार्ट्स एमएस वर्ड, सॉरी विंडो, विन वर्ड डॉट टी एक्स ई या फिर वर्ड डॉट टी एक्स ई, एम एस वर्ड डॉट टी एक्स ई, वर्ड 356 डॉट ई एक्स ई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, विच फाइल स्टार्ट्स एम एस वर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द वर्ड विन वर्ड स्टैंड्स फॉर विंडोज वर्ड, और ये याद रखना है ऑप्शन नंबर ए है विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फाइव, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, ये किसके लिए यूज होता है। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, यहाँ पे क्या करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए ये हमारे पास यूज़ की जाती है शॉर्टकट की। देखिए शॉर्टकट कीज़ की जब बात की जाती है ना, तो इसमें मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड, तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑन फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज, नन ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर सी, ऑन एवरी पेज। देखें हेडर एंड फुटर की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, हेडर इज़ ए टेक्स्ट दैट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए पेज, कोई पेज है तो उसके ऊपर यहाँ पे हेडर होगा, और वाइल ए फुटर इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम और फुट ऑफ पेज, तो वो हमारे पास बॉटम में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फुटर होगा, ओके। और बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड द हेडर जो होते हैं या फुटर, ये प्रिंटेड होते हैं हर एक पेज पे, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखें जो हमारे पास यहाँ पे एम एस वर्ड है ना, ये एग्जांपल है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो डेवलप की थी माइक्रोसॉफ्ट में, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटेड एरिया ऑफ ए पेज, क्वेश्चन पूछा गया कि जो ब्लैंक स्पेस होती है आउटसाइड द प्रिंटेड एरिया ऑफ ए पेज वो क्या कहलाती है, क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर, फुटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्जिन्स आर द वाइट स्पेस, जो हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं दैट रन अराउंड द एजेस ऑफ ए पेज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, देखिए आपको पेज ओरिएंटेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, A4। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल होती है पेज ओरिएंटेशन की, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, लैंडस्केप, और हमारे पास पोर्ट्रेट होती है, दो तरह की होती है, ये आपने याद रखना है, ये पेज ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, डीवीसी, जेवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये एग्जामिनर पूछता है, और हमारे पास यही एमएस वर्ड जो होता है रिज्यूम बनाने के काम आता है। चलिए और ये आपको यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, मैक्रॉस, टेम्पलेट, मेल मैरिज, नन ऑफ दी अबो। तो इसमें क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मेल मैरिज इज अ यूजफुल टूल दैट अलाउज अस टू प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स, लेबल्स, एनवेलप्स, नेम टैग्स एंड मोर यूजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए लिस्ट, डेटाबेस, आर जो हमारे पास स्प्रेडशीट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हाट इज़ द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट, 2003 के जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं उसमें लेफ्ट जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या है, 1, 1.25, 1.52, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन वर्ड 2003 एंड अर्लियर द डिफॉल्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन वर 1 इंच, ठीक है, और उसके बाद की बात करें तो 1.25 इंच वर गिवन एट द लेफ्ट एंड द राइट, और ये आपने याद रखने हैं। 2007 की बात करें या ऑनवर्ड, तो 1 इंच यानी 20.4 मिलीमीटर ऑल अराउंड, ओके, ये आपने याद रखना है, 1 इंच हमारे पास ऑनवर्ड है 2007 के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें 2003 की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, अगर आपको जरूरत पड़े चेंज करने की टाइप फेस ऑफ डॉक्यूमेंट, विच मेनू विल यू चूज, कौन सा मेनू यूज़ करोगे, एडिट, व्यू, फॉर्मेट टूल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी,
फॉर्मेट. ओके, फॉर्मेट मेनू इज यूज टू चेंज टाइप फेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल. देखिए फॉन्ट स्टाइल आपको पता होना चाहिए, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट स्टाइल होते हैं, जो लेटर्स के जो हमारे पास स्टाइल होता है, ये कौन इनमें से कौन से होते हैं और कौन से नहीं, इस तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में. बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर तो होता है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता. सुपर स्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है. सुपर स्क्रिप्ट इट इज ए करेक्टर, ये करेक्टर होता है, सिंबल होता है और नंबर होता है, जो स्लाइटली सेट किया जाता है अब वो नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट. ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द यूजुअल फाउंट, ये यूजुअल फाउंट से छोटा होता है और टिपिकली पाया जाता है फाउंट इन मैथमेटिकल और साइंटिफिक, जो साइंटिफिक फार्मूलाज की बात करें. जैसे हम मान लेते हैं 2n का स्क्वेयर, देखें ये जो स्क्वेयर है ना, ये आप सुपर स्क्रिप्ट ही मान लें इसको, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम फाउंट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर. ऑप्शन आपके सामने है 163, 1638, 16038, 72. तो इस क्वेश्चन का आंसर है द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज 72. ओके, वेयर द फॉन्ट साइज कैन बी सेट अप ऑफ अप टू 1638 बाई टाइपिंग द साइज मैनुअली फॉर द फॉन्ट. तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द की F12 ओपन से. ये जो की है F12, ये किसको ओपन करती है, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द की F12 ओपन से सेव एज डायलॉग बॉक्स. ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कंट्रोल प्लस आई इज यूज टू इटैलिक लेफ्ट इंडेंट, सेव डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट. तो ये हमारे पास कंट्रोल प्लस आई की बात करें, ये यूज़ किया जाता है टू अप्लाई इटैलिक फॉर इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्ट टेक्स्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज, मेल डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स, वर्ड फील्ड्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देर आर 3 कंपोनेंट हमारे पास होते हैं मेल मैरिज के. ओके, मेन कंपोनेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मर्ज को, और इट कंटेन्स द फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दैट विल बी इन एवरी लेटर्स इन मर्ज कोड्स. ठीक है, जहाँ पे ये दी वेरिएबल टेक्स्ट विल बी. लेकिन आपने ये याद रखना है डियर एस्पिरेंट्स कि हमारे पास इसमें से कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है क्या परफॉर्म करने के लिए मेल मैरिज को, तो हमारे पास वर्ड फील्ड इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन पूछा गया ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स आर यू टाइप शॉर्ट, रिपीटेटिव या फिर ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट, मिस स्पेल्ड, नन ऑफ दी अबो. तो ऑटो करेक्ट की बात करें तो ये हमारे पास मिस स्पेल्ड वर्ड जो होते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड उनके लिए यूज होता है. मिस स्पेल्ड वर्ड्स विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड वाइल टाइपिंग विद ऑटो करेक्ट फीचर्स, जब आप इसको टाइप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टी इज यूज टू हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ओपन टैब्स डायलॉग बॉक्स, टर्मिनेट ऑल ओपन डायलॉग बॉक्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे लिखा गया है इफ़ यू लाइक टू यूज़ द कीबोर्ड टू डू यूअर फॉर्मेटिंग, यू मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ टू फॉर्मेट ए पैराग्राफ टू यूज़ ए हैंगिंग इंडेंट. तो ये आपको पता होना चाहिए जस्ट बाई यूजिंग ए कीबोर्ड शॉर्टकट. तो ये हमारे पास कंट्रोल प्लस टी आप यूज़ करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है. देखें आप मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इस तरह से ये हैंगिंग इंडेंट होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 21, व्हेन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस द डैश डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट इन विद द डेटा वाज फर्स्ट इंटर्ड, सोर्स, डेस्टिनेशन, ओरिजिनल, प्राइमरी. तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सोर्स डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट इन विच डेटा कलेक्टेड फॉर ए क्लिनिकल ट्रायल इज फर्स्ट रिकॉर्डेड. तो ऑप्शन नंबर ए है सोर्स. सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं व्हेन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट्स इन विद द डेटा वाज फर्स्ट इंटर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें टू वेरीफाई करने के लिए दैट द नोट टेक्स्ट इज पोजीशन करेक्टली ऑन द पेज स्विच टू डैश व्यू और डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन प्रिंट व्यू, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, पेज लेआउट, पेज एडिट. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट लेआउट provides us with a view of documents where we can see page breaks and other features as well as the basic characters and paragraph formatting. तो इस question का answer है option number B, print layout. Okay, चलिए question number 23 की बात करें. अगर हम question number 23 पूछा गया switching between portrait and landscape modes involves the header and footer toolbar, print layout view, page setup dialog box, none of the above. तो इस question का answer है option number C, page setup dialog box. जब switching करते हैं between portrait and landscape modes के बीच में तो ये involves क्या करते हैं, page setup dialog बॉक्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया डैश द कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो हमारे पास फीचर्स, हाइपरलिंक, पैलेट, थीम. तो डैश इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स, तो इसको थीम कहते हैं हम. थीम्स प्रोवाइड ए कंप्लीट डिजाइन फॉर अवर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैकग्राउंड्स, डिजाइन. ओके,
फ़ॉन्ट स्टाइल्स, कलर्स एंड लेआउट्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की डियर एक्सपीरियंस, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया, 25 पूछा गया विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउज चेंजिंग ऑफ फ़ॉन्ट्स एंड देयर साइज, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, प्रिंट प्रीव्यू, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। इन वर्ड 2003 की बात करें, अर्लीस्ट वर्जन फॉर्मेटिंग टूल बार्स अलाउज चेंजिंग ऑफ फ़ॉन्ट्स एंड देयर साइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, टू व्यू करने के लिए हेडर एंड फुटर को यू मस्ट स्विच टू नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या प्रिंट प्रीव्यू मोड या फिर बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेडर एंड फुटर अपीयर्स ओनली इन, ये कहाँ पे होते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू में, बट प्रिंट प्रीव्यू एंड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में। तो ये आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, प्रिंट लेआउट व्यू और प्रिंट प्रीव्यू मोड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, बैकग्राउंड कलर्स आर अफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, ये कहाँ पे नहीं दिखते, वेब लेआउट व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में, रीडिंग व्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैकग्राउंड कलर्स आर अफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू एरिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस स्क्रीन, टैब, स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारे पास सेंटर इंडेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, स्पेस प्लस इंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस इंटर इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट, सॉरी कौन सा इसमें से मदद करता है रिड्यूस करने में स्पेलिंग एरर्स को डॉक्यूमेंट में, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, स्मार्ट टैग्स, ऑटो टेक्स्ट। तो डियर एक्सपीरियंस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो करेक्ट, जो फंक्शंस विल क्विकली फिक्स द मिस स्पेलिंग वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स, वी डू नॉट हैव टू यूज इट इंटेंशली, इट रन्स ऑटोमेटिकली। ऑप्शन नंबर बी जो ऑटो करेक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में स्पेलिंग एरर्स को और इन द डॉक्यूमेंट में। देखिए डियर एक्सपीरियंस, कई बार एमएस वर्ड से बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज आपको पूछी जाती है, वर्ड रैप क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वर्ड रैप। ओके, फिर आपसे पूछा जाता है, ये नोट करें, एक पूछा जाता है आपको वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट ये पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है एक आपसे थिसेरस क्या होता है, थिसेरस क्या होता है ये पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाता है एक चीज़ और यहाँ पे कि हमारे पास ये इंडेंट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था। देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बता दूं, यहाँ पे अगर हम वर्ड रैप की बात करते हैं, ये एक फीचर होता है एमएस वर्ड का जो मूव, जिसमें दैट मूव्स आर एडवांसेस टेक्स्ट, जो क्या करता है, मूव करता है टेक्स्ट को। क्या कहा मैंने, मूव्स आर एडवांसेस टेक्स्ट। ओके, एडवांसेस टेक्स्ट, जो टेक्स्ट कहाँ पे, टू द नेक्स्ट लाइन पे, टू द नेक्स्ट लाइन पे जो लेके जाता है, टू द नेक्स्ट लाइन। जब आप कोई चीज़ को टाइपिंग करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, व्हेन टाइपिंग एक्सीड जो राइट मार्जिन होता है ना विदाउट प्रेसिंग द इंटर की, तो ये हमें वर्ड रैप एक ऐसा फीचर है वर्ड के अंदर जो मूव करता है और यह हमारे पास टेक्स्ट को मतलब नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। ठीक है, फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है वर्ड आर्ट क्या होता है, तो वर्ड आर्ट की बात जब हम करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, तो हमारे पास ये पता क्या होते हैं वर्ड आर्ट, ये हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो डिज़ाइंड किए गए होते हैं। क्या होते हैं ये, डिज़ाइन टेक्स्ट होते हैं एज अ ग्राफिक इमेज की तरह। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एज ए ग्राफिक इमेज। अब मैंने आपको एक बात कही कि थिसेरिस क्या होता है, ये जो थिसेरिस है इसका स्पेलिंग है टी एच ई एस ए यू आर यू एस, सेरिस की बात करें तो ये एक ऐसा फीचर है जो प्रोवाइड करता है साइनोनियम्स। क्या कहा मैंने, साइनोनियम्स। ठीक है, और अल्टरनेटिव वर्ड्स जो आप चूज़ करते हैं वर्ड्स के अंदर, ये उसको नोट करता है। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था कि हमारे पास इंडेंट क्या होता है, इंडेंट एक ऐसा फीचर है जो अलोइंग करता है यानी सेटिंग करने में एक टेम्परेरी जो हमारे पास लेफ्ट या राइट मार्जिन होता है किसका, पैराग्राफ लाइन का। ठीक है, किसका, पैराग्राफ लाइन का, उसको कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि पेज ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप होती है, ठीक है, पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप वो होती है जो यूज स्पेसिफाई पेज ओरिएंटेशन होती है, जहाँ पे जो पेज होता है वाइडर होता है, वाइडर होता है पेज, क्या होता है, वाइडर देन इट्स टाल। ठीक है, देन इट्स टाल, यानी आप मुझे बताओ इस तरह से होगा, किस तरह से, ऐसे नहीं होगा, ये इस तरह से कुछ होगा, यानी वाइड ज़्यादा होगा टाल कम। उसी तरह फिर पोर्ट्रेट क्या होता है, जिसमें पेज लंबा होगा, ठीक है, लॉन्गर होगा, इस तरह से होगा और हमारे पास वाइड नहीं होगा ज़्यादा, उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होंगी।
फिर आपको एंड नोट्स क्या होता है ये पूछा जाता है। एंड नोट्स पता क्या होता है, वो नोट्स जो रेफरेंस करते हैं या रिजेंबल करते हैं एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जो होते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन कितने डिस्कस किए हैं, 30 डिस्कस किए हैं। फिर एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जो यहाँ पे वेरियस जो हमारे पास क्या होती हैं एम एस वर्ड में, देखें क्लास लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, बाकी एम सी क्यूज कल एम एस वर्ड पे करेंगे। वेरियस विंडो एलिमेंट्स जो एम एस वर्ड के हैं वो क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइटल बार, ठीक है, ये हमारे पास वेरियस विंडोज एलिमेंट हैं। टाइटल बार, टूल बार, नोट कर ले, टूल बार होता है, स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार, फिर स्क्रोल बार, ओके, फिर हमारे पास मेनू बार, क्या होता है मेनू बार, ये अपने नोट करना है, मेनू बार होता है, फिर हमारे पास वर्क स्पेस होती है, फिर हमारे पास स्क्रोल बार भी होता है और हमारे पास टास्क पेन भी होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। टास्क पेन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बनता है, ये डिस्प्ले करता है, ये जो टास्क पेन होता है ना, टास्क पेन, ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करता है एंड ग्रुप्स कॉमनली, क्या करता है, डिस्प्ले एंड ग्रुप्स कॉमनली यूज्ड फीचर जो होते हैं, किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए, इसके बारे में आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। और फिर आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है एम एस वर्ड के अंदर, के जो चार्ट्स क्या होता है, बाकी में भी यूज़ होता है ये वर्ड, चार्ट्स क्या होता है, ये ग्राफ्स होते हैं जो एम्प्लॉई कॉलम्स लाइंस एंड पाई शेप्स में होते हैं, जो डिनोट करते हैं नंबर्स को और डेटा को, नंबर्स को और डेटा को, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। तो बाकी फुट नोट एंड नोट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट था। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, बाकी मैंने कहा था व्हाट्सएप नंबर क्या है, 8492886188। कल हमारा जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट है, जिसने टाइपिंग टेस्ट पास किया, पहला मॉक टेस्ट होगा, फ्री है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना जो भी हमारे पास जूनियर असिस्टेंट के एस्पायरेंट है, बाकी फीमेल सुपरवाइजर एस्पायरेंट के हम मॉक टेस्ट तो ले ही रहे, और उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो इसी तरह से हम अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन रखेंगे, फ्री क्लासेज आपकी लेंगे, आपकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपने भी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ओके, घर वालों का भी रखना है। आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।